Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve battery drain problem. हमारे डिवाइस में बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। 100% चार्ज पूरा करने के बाद भी एक दिन भी नहीं चलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी फास्ट ड्रेन होने के पीछे मेन कारण क्या है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बैटरी को पूरा इस्तेमाल करके 0% पर लाना है। इसके बाद ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट करके 100% तक चार्ज कीजिए। 100% कंप्लीट होने के बाद भी चार्जर से कनेक्ट करके एक घंटा तक रखें। फिर अपना फ़ोन को नॉर्मल जैसे यूज़ करते थे वैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स चेंज करना होगा। फ़ोन अपडेट, हमारे डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं वो करना भी चाहिए और कभी कभी नहीं भी करना चाहिए। ऐसा क्यों? हमने कई बार देखा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम और भी बढ़ गया है और कभी कभी फ़ोन अपडेट करने के बाद ये ठीक भी हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। बैटरी सेवर, दोस्तों यहाँ फ़ोन सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। नेक्स्ट डिवाइस केयर में जाइए, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले अपना डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अगर बैटरी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बैटरी पर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दी गई है। पावर सेविंग, जब आपको लगेगा कि बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो रहा है तो पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं। पावर सेविंग में इन सभी ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सभी ऑप्शन को चालू करने के साथ साथ बैटरी बैकअप टाइम भी बढ़ रहा है। 5G नेटवर्क में बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप चाहे तो 5G नेटवर्क को ऑफ करके 4G नेटवर्क में अपना डिवाइस चला सकते हैं। लिमिट ऐप एंड होम स्क्रीन, इस ऑप्शन को ऑन करने से कुछ लिमिटेड चीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। होम स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाएगा और इनमें से केवल 6 एप्लीकेशन ही उपयोग कर पाएंगे। ज़्यादा बैटरी सेव करना है तो इस ऑप्शन को ऑन करें, नहीं तो ऑफ रखिए। दोस्तों, इसके बाद 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके एडेप्टिव पावर सेविंग को भी ऑन कर दीजिए। अगली बार जब आप पावर सेविंग को ऑन करेंगे, यहाँ ऊपर में उसका लोगो देखने को मिलेगा। इस फीचर्स को आप क्विक पैनल से भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्ट बैटरी, बैटरी सेटिंग्स के अंदर एक शानदार फीचर्स दी गई है, इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ये आपके फ़ोन को 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं करने देगा। रेगुलर यूसेज में अगर आप 85% तक चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी हेल्थ अच्छा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। फ़ोन को बार बार चार्ज ना करें, मतलब चार्जर लगाया, 20% चार्ज किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा ना करें। जब फ़ोन की बैटरी लेवल 20 या 25% में आ जाए तब चार्जिंग पर लगाएं, फिर जब 85% हो जाएगा तब चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इस चार्जिंग साइकिल में बैटरी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, चार्जिंग करते समय गेम प्ले, हेवी एप्लीकेशन और कैमरे का इस्तेमाल ना करें, इससे आपके मोबाइल गर्म हो जाएगा और ओवर हीटिंग बैटरी के लिए बहुत खतरनाक है। इससे बैटरी का सेल डैमेज तो होगा ही होगा, यहाँ तक कि फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी दो काम एक साथ ना करें, या तो फ़ोन चार्ज करें या चार्ज पूरा होने तक इंतजार करें। बैटरी यूसेज, दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं किस डेट में कौन सा एप्लीकेशन कितना परसेंटेज बैटरी कंज्यूम किया है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उस हिसाब से एप्लीकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इस लिस्ट में अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए होम स्क्रीन पर जाइए, यहाँ ऐप लिस्ट ओपन करें, जिस ऐप को अनइंस्टॉल करना है उस पर लॉन्ग टैप करें और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस तरीके से सभी फालतू की एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सिस्टम एप्लीकेशन को डिजेबल कर सकते हैं। इससे आपका इंटरनल स्टोरेज भी फ्री होगा और बैटरी लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों, इसके बाद आप बैटरी सेटिंग्स पर वापस जाइए, यहाँ बैकग्राउंड यूसेज लिमिट पे क्लिक करें। इन फीचर्स के जरिए आप कंट्रोल कर पाएंगे कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलेगा और कौन सा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट अनयूज ऐप टू स्लीप ऑप्शन को ऑन कीजिए, यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके एडेप्टिव बैटरी को भी ऑन करना है। इसके बाद बैक आइए, नीचे की ओर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई देगा, नेबर ऑटो स्लीपिंग, स्लीपिंग ऐप एंड डीप स्लीपिंग ऐप। नेबर ऑटो स्लीपिंग, इसमें जो एप्लीकेशन ऐड करेंगे वो उसकी मर्जी से बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चालू होगा और बैटरी खाएगा, इसलिए हो सके तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ऐड ना करें। अगर ऐड किया हुआ है तो उसे रिमूव कर दीजिए। स्लीपिंग ऐप्स, यहाँ पर उन सभी ऐप को ऐड कर सकते हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, ये कभी कभी बैकग्राउंड में चलेगा और आपको नोटिफिकेशन देगा। यहाँ आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर जैसे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। डीप स्लीपिंग ऐप, यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऐड करेंगे वो कभी भी बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। जब उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो काम करेगा, जब वहाँ से बाहर आएंगे वो बंद हो जाएगा। आपके डिवाइस में जो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं
उसको आप स्लीपिंग ऐप्स या डीप स्लीपिंग ऐप्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन को एक साथ ओपन ना रखें, कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। नेटवर्क सेटिंग्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल इंटरनेट और लोकेशन सर्विस को अननेसेसरी ऑन ना रखें। जब आपको इनकी आवश्यकता होगा तब चालू करें और फिर बंद कर दें। इसके अलावा आप जिस ऑपरेटर का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं अगर उसमें नेटवर्क सिग्नल बहुत कम रहते हैं तो आपका बैटरी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। इसका सोल्यूशन है, आपके घर में जिस ऑपरेटर का नेटवर्क अच्छा मिलते हैं उस पर स्विच कर सकते हैं। हिडन सेटिंग्स, डिवाइस के अंदर कुछ कुछ सेटिंग्स ऑफ करना होगा। सेटिंग्स में जाइए, कनेक्शन में जाइए, इसके बाद मोर कनेक्शन सेटिंग्स, यहाँ पर नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद डिस्प्ले में जाइए, बैटरी सेव करने के लिए डार्क मोड एक बेस्ट ऑप्शन है। लाइट जितना कम इस्तेमाल होगा बैटरी की बचत उतना ही ज़्यादा होगा। डार्क मोड में बैटरी 2-3 घंटा ज़्यादा चलेगा। इसके बाद एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ कर दीजिए और ब्राइटनेस को अपने हिसाब से मैनुअली सेट कीजिए। मोशन स्मूथनेस अगर हाई सेट किया हुआ है उसे चेंज करके स्टैंडर्ड सेट कीजिए। स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर आप इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ोन की बैटरी पहले से कहीं ज़्यादा बैकअप दे रहा है। अगर इससे कोई हल नहीं होता है तो आप अपना फ़ोन को एक बार रिसेट करके देख सकते हैं या फिर सैमसंग के सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।